सबका आज की इस धमाकेदार वीडियो में, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हांगकांग वुमेन वर्सेस नेपाल वुमेन क्रिकेट मैच के ड्रीम इलेवन टीम प्रेडिक्शन के बारे में। सो दोस्तों, इस मैच के लिए बेस्ट विनिंग टीम आपको बना के दूंगा, पिच रिपोर्ट बताऊंगा, साथ ही किसे कैप्टन बनाना है, किसे वाइस कैप्टन बनाना है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, वुमेन्स T20I क्वाड्रेंगुलर सीरीज इन हांगकांग 2023 के मैच नंबर 4 में हांगकांग चाइना वुमेन का सामना नेपाल वुमेन से हांगकांग क्रिकेट क्लब वांग नाई सुंग गैप में होगा। अब इस मैच की जानकारी मैं आपको दे दूं, हांगकांग चाइना वुमेन वर्सेज नेपाल वुमेन मैच नंबर 4 16 नवंबर 2023 को 11:30 पे ये मैच शुरू होगा। हांगकांग क्रिकेट क्लब वांग नाई सुंग गैप में ये मैच खेला जाएगा। सो इस मैच की पूरी डिटेल आपको बता दूं, हांगकांग चाइना वुमेन ने इस श्रृंखला में एक मैच खेला है और वे पहले स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश करेंगे, जबकि नेपाल वुमेन ने भी श्रृंखला में एक मैच खेला है और वे वर्तमान में अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। अब जैसा कि आप यहां पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो पिच रिपोर्ट को, हांगकांग क्रिकेट क्लब वांग नाई सुंग गैप में विकेट पर बल्लेबाजी बिल्कुल भी आसान नहीं है, गेंदबाजों को यहां पे ज्यादा मदद मिलेगी। पिछले दो मैचों में इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 97 रन है। इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अपने 50% मैच जीते हैं, इसलिए टॉस कौन जीतता है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस मैदान पर तेज गेंदबाज काफी सफल रहे। हमारा सुझाव है कि आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा तेज गेंदबाजों को लें। अब दोनों टीमों के बीच खेले गए सीधे मुकाबलों की बात करें तो इन दो टीमों के बीच खेले गए 5 मैचों में नेपाल वुमेन ने 3 और हांगकांग चाइना वुमेन ने 2 मैच जीते हैं। दोनों टीमों ने अब तक अपनी अपनी टीमों के लिए सबसे ज्यादा फैंटेसी अंक अर्जित किए। अब 3 बल्लेबाज विकेटकीपर बताने जा रहा हूँ। पहला है नताशा माइल्स, 5 मैचों में 102 रन बनाए। दूसरा है काजल श्रेष्ठा, 5 मैचों में 50 रन बनाए। तीसरा है समझाना खड़का, 5 मैचों में 39 रन बनाए। बात करें 3 गेंदबाजों की, पहला है संगीता राय, 5 मैचों में 8 विकेट लिए। दूसरा है बेटी चैन, 3 मैचों में 1 रन बनाया, 4 विकेट लिए। तीसरा है इकरा साहर, इन्होंने 3 मैचों में 28 रन बनाए, 3 विकेट लिए। बात करें ऑलराउंडर खिलाड़ियों की तो पहला है कैरी चैन, 3 मैचों में 14 रन बनाए, 3 विकेट लिए। दूसरा है इंदु वर्मा, 3 मैचों में 23 रन बनाए, 3 विकेट लिए। तीसरा है मैरिको हिल, 3 मैचों में 49 रन बनाए, 2 विकेट लिए। बात करें पिछले मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो, यहाँ पे काफी खिलाड़ी मौजूद हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे पिछले मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में जो नाम है वो कैरी चैन, मैरिको हिल, इकरा सैर, इंदु वर्मा, सीता मागर एंड रूबीना चेट्री है। बात करें कप्तान और वाइस कप्तान के विकल्प की तो जैसा कि आप देख रहे हो, कप्तान आपको यहाँ पे बनाना चाहिए सीता मागर को, 3 मैचों में 76 रन है, साथ ही 3 विकेट भी ये ले चुके हैं। उप कप्तान की बात करें तो संगीता राय को आप बना सकते हो, 5 मैचों में 8 विकेट ये ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड की। सो नेपाल वुमेन एंड हांगकांग चाइना वुमेन का स्क्वाड आपके सामने है। अब फैंटेसी टीम सुझाव की अपन बात करते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए विकेट कीपर के तौर पे हुई यिंग चेंग को आपको लेना है अपनी टीम में। बल्लेबाज आप बिंदु रावल को ले सकते हो। ऑलराउंडर के तौर पे कैरी चैन, इंदु वर्मा, मैरिको हिल, सीता मागर एंड रूबीना चैटरी को आप ले सकते हैं। साथ ही गेंदबाज में आप संगीता राय, बेटी चैन, इकरा चहर एंड कैबिटा जोशी को आप ले सकते हैं। अब कप्तान आप यहां पे देख सकते हैं सीता मैगर एंड उप कप्तान संगीता राय को आप बना सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।